हेलो गाइज, एसएस लाइफ नाइन ब्लॉग चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आया हूँ अपने खेत में जहाँ पर मूंगफली की फसल बोई हुई थी, और अभी मूंगफली की फसल यहाँ से निकाल ली गई है, लेकिन यहाँ की ज़मीन जो है वो थोड़ी टाइट होने की वजह से जो मूंगफली है वो कुछ मिट्टी के अंदर ही रह गई है। तो उस मूंगफली को ये जो छलनी है उसे छानने का काम जो है वो चल रहा है। के साथ में मेरा भाई छोटा भाई राहुल, और वो भी अपना भाई है बड़ा भाई, जो कि अभी उसे छलनी वाले ट्रैक्टर को चला रहा है, और खटगड़ फार्म हाउस के ओनर भाई शंकर वो उस शॉर्ट्स जो रील है वो शूट कर रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं पूरा इसका ये कैसे चलता है और इसका प्रोसेस क्या है और इसको हम कहाँ इकट्ठा करने वाले हैं और पीछे जो मिट्टी है उसमें कितनी मूँगफली रह गई है, कितनी और निकलेगी। और इसका जो मूंगफली छलने का जो प्राइस है दोस्तों वो है 1 बीघे की जो छलनी है रेत से छानने की वो 1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से ये जो छलने वाला ट्रैक्टर है उसकी प्राइस है यहाँ पर छानने की। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं उस ट्रैक्टर के पास। ये है दोस्तों छलने का प्रोसेस, और यहाँ पर देखो ये इतनी मिट्टी उठती है, बहुत भयंकर तरीके से मिट्टी उठती है। यहाँ आगे की ओर है रोटर वर्क करता है, और पीछे यहाँ पर छलनी है। इतनी मिट्टी उड़ती है यहाँ पे। अभी इसको खाली भी करेंगे, ये मिट्टी को एकदम मुखमली कर देता है बारीक से। यहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ में हैं, पापा जी है, काका जी है, और बाहर सब लोग आए हुए हैं। इस ट्रॉली में ये जो तिरपाल है छोटा सा, इसमें लेंगे सीधा ही, जिसमें कुछ मिट्टी के बड़े पार्ट्स भी आएंगे और मूंगफली भी आएगी, उसको यहाँ से उठा करके सीधा इस ट्रॉली के अंदर खाली करेंगे। ये है भाई पूरा प्रोसेस, और यहाँ पर ये निकली है एक पार्ट के अंदर जो मूंगफली है वो कुछ इस तरीके से। ये पूरी छोटी सी मशीन है, और इसमें आगे की तरफ रोटर लगा हुआ है। ये रोटर है, ये जमीन को उठाता है आगे से और पूरा या इस छलनी के अंदर डालता है। यहाँ पर छोटी बारीक सी जाली लगी हुई है, इस तरीके से यहाँ खाली किया जाता है। मूंगफली और मिट्टी का ये रेशियो रहता है छलने के बाद। इस तरीके से जाली फिट की जाती है, और यहाँ पर ये 2-3 बार ट्रैक्टर घूम चुका है और मिट्टी को एकदम मुकम्मली कर देता है बारीक सी। यहाँ पर मिट्टी बहुत ही अधिक मात्रा में उड़ती है। ये अपनी डाणी का ही ट्रैक्टर है। इनके ज़्यादातर वीडियो आपको खटखड़ फार्म हाउस हिम्मत नगर इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब पर भी मिलेंगे। ओनर भाई शंकर लाल जो है वो उसको मेंटेनेंस करता है, मैनेजमेंट करता है, और ये अपने खेत में पास में ही है। ये जो आगे की खेजड़ी और होद दिख रहा है वो अपना ही है, और ये अपने बड़े भाई का है। 5 बीघा ये जमीन है यहाँ की टोटल,
और हमारे यहाँ पर जो मूंगफली का एवरेज है वो यहाँ पर 1 बीघे के 3 क्विंटल हुई है इसमें, यानी कि 5 बीघा थी तो 15 क्विंटल मूंगफली हो चुकी है, और कुछ अभी और छानेंगे तो निकल जाएगी। ये अभी इसे ट्रॉली को यहीं खोल देंगे ताकि ट्रैक्टर फ्री हो जाए और अन्य काम में लग जाए, और यहाँ पर ये जो है उसको पूरा छान करके इस ट्रॉली में डालते रहेंगे और शाम को एक साथ ले जाएंगे। जाली में कुछ मिस्टेक है तो उसको सुधार रहे हैं अभी। अब इसको खोल करके अपने ट्रैक्टर के जोड़ने का प्लान है, क्योंकि भाई शंकर को ऑफिशियल वीडियो शूट करना है। भाई शंकर अपना ट्रैक्टर जोड़ रहा है इस छलनी वाले रोटर के, तो इसमें जोड़ने वाला ये सिस्टम है, डंडी है उसकी लगा रखा है, डंडी को सीधा लगाओ और जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये पॉइंट ऊपर की तरफ है उसको सीधा लगाना है, तो जोड़ना भी इजी है, ज़्यादा हार्डवर्क वाला काम नहीं है। डंडी लगानी है और जॉइंट फंसाना है बस, और ज़्यादा कुछ जोड़ने का लपड़ा नहीं है इसमें। दोस्तों तो हमारे डाने के जितने भी ट्रैक्टर है सबका ये जो बम्पर है वो इसी रूप में है, तो ये हमारी ब्रांडिंग है, तो इसीलिए हम इस ट्रैक्टर को जोड़ करके वीडियो शूट करना चाह रहे हैं। इसके वीडियो आपको खटखट फार्म हाउस इंस्टाग्राम और यूट्यूब ID पे मिलेंगे। भाई हमारे बड़े भैया भंवर भाई बैठ चुके हैं, भंवर लाल, और ट्रैक्टर को वहाँ उस तरफ ले जाएंगे और वापस लेके आएंगे वीडियो शूट के लिए। ये मिस्टर इन्फ्लुएंसर राहुल अपना छोटा भाई है। भाई रेस बहुत लगा दी, हमें दौड़ना पड़ेगा। ये अभी चलते हुए नहीं जा रहा है, ऐसे ही दौड़ के जा रहा है। अभी देखते हैं इसकी रफ्तार क्या रहती है जब चलता है, ये अपना वर्क करता है तो इसकी स्पीड क्या रहती है वो भी देखेंगे अभी टेस्ट करेंगे। अभी ये रोटर जो है वो ऊपर की तरफ है, अभी इसको नीचा किया जाएगा। अभी लिफ्ट को नीचे करनी पड़ेगी इसकी, और इस तरीके से वर्क करता ही है। अभी ये नीचा हुआ है डाउन, ये पूरा आगे से पूरा नीचे चलता है और पीछे से ऊपर की ओर है, और ये जो मिट्टी है वो कुछ इस तरीके से निकलती है यहाँ पे, और पीछे इस तरीके से मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, बहुत ही भयंकर तरीके से। और यहाँ पर ये भाई शंकर शूट करा रील को, और ये रहती है ट्रैक्टर की रफ्तार, कोई ज्यादा रफ्तार नहीं है, आराम से चलता है। आपको दिखा दूँ कितनी स्पीड से चल रहा है ये। दस की रेस से चल रहा है। और ट्रैक्टर ये ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ये ट्रैक्टर का डांस है भाई। भाई खूब मूंगफली पड़ी है, देख लो ऊपर भी पड़ी है, खूब सारी मूंगफली है, तो खूब सारी मूंगफली अंदर रह गई है, क्योंकि लास्ट में बारिश नहीं होने की वजह से ये जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूख चुकी है, इसलिए यहाँ पर जो मिट्टी है वो पूरी सिकुड़ चुकी है, बंद चुकी है, इसलिए यहाँ पर ये जो मिट्टी है वो बारीक नहीं हो रही है। और मूंगफली निकालते समय ये बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेले रह गए थे, तो अभी इसको छानने का वर्क चल। ये है दोस्तों, आराम से चलता है इसमें ट्रैक्टर 10 की स्पीड से।
ये जो तिरपाल है वो लेकर के नहीं आए थे, इसलिए हमें ये जो है वो तगारी और फावड़े से इस ट्रॉली में डालनी पड़ रही है। लेकिन अब जैसे ही हम ये तिरपाल लेकर के आ गए, इस तिरपाल पर सीधा खाली किया, दो व्यक्ति तिरपाल को इधर उधर से पकड़े और सीधा इस ट्रॉली के अंदर डाल देंगे, मतलब हमें मेहनत कम लगेगी। अब तो ये आइडिया जो है वो बाद में आया, पहले आया नहीं था, क्योंकि पहले पता नहीं था कि इस मिट्टी की और ये जो मूँगफली है इसकी क्वांटिटी क्या रहने वाली, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी हो जाता तो ये तिरपाल भी फेल हो जाता और दो व्यक्ति उठा नहीं पाते, इसलिए इसका रेशियो कम रह रहा है, मतलब डगली जो है वो कम आ रही है और मूँगफली की मात्रा ज़्यादा है, तो इसको आराम से इस तिरपाल में दो व्यक्ति उठा करके इस ट्रॉली में डाल सकते हैं। हमने अपनी जो रील है वो अपने ट्रैक्टर से शूट कर लिया है, वापस इस ट्रैक्टर को जोड़ रहे हैं।